Thank you. The next speaker is Sri Prakash Javadekar. माननीय उपसभापति, मुझे बहुत यह आनंद होता है कि एक सरकार ने महत्वपूर्ण बिल लाया है, दिखने में छोटा है लेकिन इसके पीछे जो विचार है वो विचार देश की और दुनिया की सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने का है, क्योंकि दुनिया ने देखा है कितने प्रकार के हमले हुए हैं, कैसी टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है और कितना संकट पैदा करते हैं। अभी हमारे एक साथी, उन्होंने कहा वो दुनिया में सैकड़ों लोगों को, केवल नहीं तो करोड़ों लोगों को ये आशंका है कि क्या कोविड एक बायोलॉजिकल वेपन था, आशंका है। मेरा विश्वास है कि सच्चाई आज नहीं कल कभी न कभी सामने आती है, तब देखेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन एक मुझे पहले ही बताना चाहिए कि हमारे एक मित्र मनोज झा जी, उन्होंने कहा कि मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के जगह, यानी उसको तो उन्होंने सपोर्ट दिया लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रप्शन, इस पर उन्होंने बोला। पिछले चार दिन से जो हम राज्यसभा में और लोकसभा में देख रहे हैं उसी को मास डिस्ट्रप्शन कहते हैं, यह हमें समझना चाहिए। मास डिस्ट्रप्शन करके डिस्कशन से भागना, इसको मास डिस्ट्रप्शन कहते हैं। और आज जो हम देख रहे हैं कि बाहर कहना जाकर कि चर्चा नहीं हो रही है, और चर्चा के लिए सदैव प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसी भी विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा करेंगे नहीं, चर्चा के समय भाग जाएंगे, बाकी समय अंदर आके वो शोर शराबा करेंगे। यही विपक्ष की नकारा राजनीति है और इसका परिणाम आप देख रहे हैं। एक के बाद एक इलेक्शन में लोग उनको उनकी जगह दिखा रहे हैं। और आज भी मुझे खुशी है कि हमारे आज जो मतगणना हो रही है, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति आज जब घोषित होगी, एक रिकॉर्ड मत से होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक तैयार किया है माहौल देश के कल्याण का, दुनिया के कल्याण का, और भारत का रोल है उसमें। और इसलिए ये बिल क्या कहता है? बिल कहता है केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर। लोग कहेंगे कहां केमिकल होगा, कहां बायोलॉजिकल होगा, कहां न्यूक्लियर होगा, लेकिन ऐसा ही लोगों को पता नहीं था कैसे कैसे टेररिज्म होगा, ये पता नहीं था। अमेरिका जैसे देश में कोई मान नहीं रहा था, क्योंकि उनको वो समझते थे कि भाई वहां इतना दूर उनका देश है, चारों ओर से समुंदर है, तो कैसे टेररिज्म हमारे पर हमला होगा। मुझे याद है अटल जी प्रधानमंत्री थे, यूएन में गए थे और उन्होंने कहा किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि टेररिज्म से हम फ्री रहेंगे, हम पर कोई हमला नहीं करेगा। और फिर देखा कि ट्विन टावर पर हमला हुआ। तो यह होता है, हम पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, किसी ने सोचा नहीं था। और पार्लियामेंट का हमला, अगर हमारे 12 बहादुर जवान जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी उन्होंने अगर बचाया नहीं होता तो क्या होता, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये टेररिज्म का संकट लोगों को लगता है कि दूर है, नहीं है। एक मैं और याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे 2004 से 2014 के बीच आए दिन अब बम विस्फोट का सिलसिला देखते थे। दिल्ली में 3 बार हुआ, पुणे में 1 बार हुआ, मुंबई में 2 बार हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, वाराणसी में हुआ, अहमदाबाद में हुआ। जगह जगह टेररिज्म के इतने हमले हुए कि आए दिन हम बम विस्फोट का सामना करते थे और देखते थे लोग कैसे सफर कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि लोगों को यह भी समझना चाहिए कि पिछले 8 साल में
ऐसे शहर शहर में होने वाले बम विस्फोट खत्म हुए, ये मोदी सरकार ने जो नीति की, और नीति क्या की जो इस बिल में भी है कि फाइनेंस बंद करो, वेपन्स उनको न मिले ऐसा देखो, जो उनका ओवरग्राउंड सपोर्ट है वो खत्म करो। ये जब होता है तो हमने देखा है कि माओइस्ट वायलेंस में भी जितना विस्तार था और जितनी मात्रा थी आज एक चौथाई रह गया है, वो भी खत्म हो जाएगा। इस देश से आतंक का नाम मिटेगा जब ऐसी सरकार होगी कि जो पूरी तरह से उसको काम करती है, सभी राज्यों के सहयोग से, इंटेलिजेंस का शेयरिंग करके। मैं मणिपुर में दो बार बहुत समय इंचार्ज था तो मैंने देखा है कैसे इंसर्जेंसी थी, कैसे मिलिटेंसी थी। आज खत्म हुई, लगभग खत्म हुई। क्यों हुई खत्म? इसीलिए खत्म हुई कि ये एक सरकार है कि जो एक तरफ संवाद भी करते हैं, मुद्दों को सुलझाती भी है, और जो कदम उठाने हैं कि फाइनेंसिंग बंद करेंगे, ओवरग्राउंड सपोर्ट बंद करेंगे, वेपन्स नहीं मिलेंगे ऐसा उपाय करेंगे, यही उसका रास्ता है। और ये बिल इंटरनेशनल लेवल पे सभी देशों की एक कमिटमेंट है कि हम, क्योंकि कोई भी टेरर बिना फाइनेंस का हो नहीं सकता। पाकिस्तान से आए दिन यहां घुसपैठी होती है, वो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कोई ना कोई फाइनेंस किए बिना मुंबई पर थोड़ा ही ना हमला होता है। तो फाइनेंस एक बहुत महत्वपूर्ण है टेररिज्म में। और ये केवल केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, ये पॉसिबल थ्रेट्स है। प्रीएम्प्टिव स्टेप हम ले रहे हैं, आज नहीं अनुभव किया है लेकिन कल नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते। और इसलिए मोदी सरकार ने 2005 में जो सदन ने सहमति से पास किया बिल है, उसी में ये एक अमेंडमेंट कर रहे हैं, एनेबलिंग अमेंडमेंट है कि भाई इस तरह के आतंकवाद के सामने उसको कोई भी अगर मदद करेगा तो ऐसे सबके संपत्ति भी जब्त होगी, कुर्क होगी, उसको फाइनेंस कर नहीं सकते, उनको सजा भी होगी और उनको अटैचमेंट भी आएगी। तो ये यही कह रहे हैं, बिल तो छोटा है लेकिन मुद्दा बड़ा है, देश की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा, भारत की प्रतिबद्धता, और दुनिया की प्रतिबद्धता के साथ हम हमारे देश में भी आतंक का समापन करेंगे और दुनिया में भी एक अच्छी व्यवस्था कायम हो इसके लिए प्रयास करेंगे, यही इस बिल का मूल है। मैं इस बिल को समर्थन भी दे रहा हूं और मंत्री महोदय को विशेष धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।